धन गुरु नानक 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 धन गुरु धन गुरु नानक। जप गुरु नाम जेवा 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 जप गुरु नाम जप गुरु नाम।
जप गुरु नाओ सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर ना सत सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर ना मेरी सत जप गुरु नाओ जेहवा 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 जप गुरु नाओ सतगुर से ती रतिया दरगहे पाए सतगुर से तीरतिया डर गए पाये ठाओ पाये ठाओ सारी सा पानी मा पानी सा निसारी मा परे मा पानी पा मा परे मा पासा सतगुर से तीरतिया डर गए पाए ठाओ
सतगुर से ती रते जप गुरु नाम जेहवा 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 जप गुरु नाम जप गुरु नाम जेहवा 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 जप गुरु नाम जग में है उत्तम काड़िये है विरले के जग में है उत्तम
जग में जग में उत्तम बिरले के जग में है उत्तम कांडिये हैं विरले के जग में है उत्तम कांडिये जेहवा जप गुरु नाम जेहवा जप गुरु नाम जेहवा अंतर गुरु आराधना जेहवा जप गुरु ना अंतर गुरु अंतर गुरु आराधना जेहवा जप गुरु जेहवा जप गुरु नाम जेहवा 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 जप गुरु नाम जेहवा।
प्यास से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह भाई बाला जी, भाई मर्दाना जी चले जा रहे हैं, एक पर्वत पर पहुंचे हैं, बहुत ऊंचाई पर। भाई मर्दाना जी पूछते हैं पातशाह, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया यहाँ पर निरंकार के हुक्म से आए हैं, किसी को सही रास्ता दिखाने जो भटक गया है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, वो सामने जो गुफा दिखाई दे रही है बड़ी सी, उसके अंदर चलना है। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी, गुरु नानक पातशाह उस गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। अंदर जब प्रवेश किया, एक हैरानीजनक बात देखी भाई मर्दाना जी ने, भाई बालाजी ने। क्या बात? कोई दिखाई नहीं दे रहा अंदर, गुफा खाली है, पर आवाज आ रही है। आवाज किस चीज की? राम 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 राम। कोई दिखाई नहीं दे रहा पर आवाज आ रही है। भाई मर्दाना जी, भाई वाला जी हैरान हो रहे हैं। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, ये ऋषि है जो कई सौ सालों से तप कर रहा है, इतनी शक्तियां हैं इसके पास, अत्यंत शक्तिशाली है, अपनी शक्ति से अदृश्य होकर रह रहा है यहाँ पर, और इसने मौन धारण कर रखा है, कई सौ सालों से चुप है। तो भाई मर्दाना जी सवाल पूछते पाछा, अगर यह चुप है, बोलता नहीं, मौन धारण कर रखा है, तो राम राम की आवाज कहाँ से आ रही है? तो गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, इसके हृदय में, इसकी नाभि से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी कमाई इतनी बढ़ चुकी है, सुरत जुड़ चुकी है नाम से, कि इसकी जबान बंद है, फिर भी राम राम की धुनि चारों तरफ से सुनाई दे रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात को अतकथनी मत समझना, वाणी इसे प्रमाणित करती है। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो परम पदवी को पा लेते हैं, जिनकी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक डॉक्टर आ गया था बाबा नंद सिंह जी के पास नब्ज देखने। जब उसने स्टेथोस्कोप लगाया तो उसकी लिव जुड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह ने उसे हिलाया, होश में आ। सब ने बाहर जाके पूछा, क्या हो गया था तुझे? कहने लगा, मैंने स्टेथोस्कोप लगाया जब, तो अंदर से वाहेगुरु वाहेगुरु की आवाज ऐसी धुनि आ रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी जिसे प्रमाणित करे, वो बात कैसे झूठी हो सकती है? और बीज किसी चीज का नाश नहीं होता, ऐसे महापुरुष कमाई वाले आज भी हैं,
और आगे भी रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे ही कमाई वाला ये ऋषि पर रास्ता भटका हुआ है। रास्ता क्या भटका हुआ है बड़े ध्यान से समझना, ये पूरी घटना बहुत ज्ञान देगी। गुरु नानक पाशाह कहने लगे, इसने मौन धारण कर रखा है, जबान बंद कर रखी है, इतनी शक्तियाँ हैं इसके पास। निरंकार ने हमें हुक्म दिया कि इसे जाके सही रास्ते पर डालो, कि थोड़ा सा भटका हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह जब वहाँ पहुँचे तो ये धुनी चल रही है। अब गुरु नानक पाशाह ने आवाज़ दी, कहने लगे इन ऋषि का नाम है दत्तात्रेय देव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऋषि दत्तात्रेय देव, गुरु नानक पाशाह ने आवाज़ दी, दत्तात्रेय देव आदेश हो आदेश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आदेश का भाव होता है नमस्कार। श्री जपजी साहब जी की बाणी पढ़ते हो ना आप, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एको वेश। जहाँ पर भी आदेश आया यहाँ पर वो नमस्कार आया है, आदेश तिसे आदेश, उस निरंकार को नमस्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह ने कहा, दत्तात्रेय देव ऋषि दत्तात्रेय देव जी आदेश हो आदेश, और वो ना बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है, बहुत ही प्यारी। गुरु नानक पातशाह दूसरी बार कहा, ऋषि दत्तात्रेय देव आदेश हो आदेश, पर दत्तात्रेय देव ना बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसने कई सौ सालों से जबान बंद कर रखी है, जबान बंद कर रखी है कि लिव परमात्मा से जोड़ के रखनी है, अगर बोलूंगा तो लिव टूट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह ने तीसरी बार कहा, दत्तात्रेय देव आदेश हो आदेश, पर वो फिर ना बोला। अब गुरु नानक पाशाह वहां बैठ गए और उससे बातें करने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह मुस्कुराकर चोज कर रहे हैं दत्तात्रेय देव से कि कब तक चुप रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब दत्तात्रेय देव दिव्य दृष्टि वाला था, बड़ी कमाई वाला था। अब यहां पर एक पॉइंट बड़ा कीमती है सत्संगत जी, मन में विचार आएगा कईयों के कि दिव्य दृष्टि भी है, इतनी ताकत भी है, लिव भी राम से जुड़ी हुई है, फिर भी रास्ता कैसे भटका हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पॉइंट बड़ा ही कीमती है, चाहे कितनी भी ऊंची अवस्था हो जाए डर कर रहना चाहिए, हम हमेशा सही नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक पाशाह के वचन है, सिख वही है जो मरते दम तक सीखने को तैयार रहे कि मैं गलती कर रहा हूँ, जो अपनी भूल माने चाहे कितनी भी ऊंची अवस्था हो जाए, वो यही कहे कि मैं भूला हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और डर कर रहे। कई बार हमें लगता है कि हम ऊंचे उठ रहे हैं, नीचे गिर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जिसके भीतर से डर खत्म हो जाए इस बात का और जिसे महसूस होने लग जाए कि मैं कुछ बन गया हूँ, वही गिरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास ने सचमुच एक ऐसा गुरुमुख की संगत मिली थी जिसकी कमाई इतनी ज़्यादा कि उसे आगे का दिखाई देना शुरू हो गया था, सब कुछ, सब कुछ, आज सब कुछ गवा बैठा है, सब कुछ, ना नेम रहा ना वो अवस्था रही, कुछ नहीं रहा, पता नहीं होता कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अजेता नाव समुद्र में क्या जाना क्या हो, इसलिए कबीर जी ने कहा था ना, मरते वक्त कहा था कि मेरी दाढ़ी तेरी कुत्ते की पूंछ से अच्छी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले नहीं कहा, अंतिम समय में पूछा पहले क्यों नहीं कहा, सारी घटना सबने सुन रखी, शॉर्ट में दास ले रहे पॉइंट। कहने के जब तक मौत नहीं आ जाती ना, तब तक इंसान के मन का भरोसा नहीं कब गिर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब मैं मर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने दाढ़ी को संभाल के रखा है, भाव करेक्टर को संभाल के रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दत्तात्रेय देव जिसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति है, लिव जुड़ चुकी है, जबान बंद है, फिर भी रोम रोम से राम राम की आवाज आ रही है,
वो दत्तात्रेय देव। गुरु नानक पाशाह बैठकर उससे बातें कर रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफी समय तक चुप रहा, अदृश्यपन में ही बोलता है। जब दिव्य दृष्टि से देखा ना कि यह तो कोई आम आदमी नहीं है, यह तो निरंकार की ज्योत है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दिव्य दृष्टि में ही देख लिया सब कुछ, और अदृश्य में बोल रहा है, उजागर नहीं हुआ कि कैसे संत, कैसे फकीर, कैसे पीर हो आप जो बोल रहे हो इतना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी लिव कैसे जुड़ी रह सकती होगी, बोलते ही जा रहे हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह मुस्कुरा के कहने लगे, दत्तात्रेय देव तू जिस अवस्था में है मुबारक, कमाल की अवस्था है तेरी कि तेरी लिव जुड़ चुकी है राम से। हम निरंकार के हुक्म से आए हैं क्योंकि तुझे एक अवस्था वो भी है कि इंसान बोल भी रहा हो तो भी लिव जुड़ी रहती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह कहने लगे, दत्तात्रेय देव जाप ऐसा जप कि जप जप के अजप्पा जाप शुरू हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब दत्तात्रेय देव ने इस अवस्था को सुना, इस बात को सुना, वो प्रकट हो गया। यहाँ पर गुरु नानक पाशाह और दत्तात्रेय देव के बीच में बहुत बड़ी विचार हुई है, बहुत बड़ी। गुरु नानक पाशाह उसे समझा रहे हैं, वो पूछ रहा है सवाल कि कैसे हो सकता है। गुरु नानक पाशाह उसे बता रहे हैं कैसे होता है कि जाप जप जप के एक समय आ जाता है कि चाहे इंसान कोई काम कर रहा हो, खा रहा हो, सो रहा हो, पी रहा हो, बातें कर रहा हो किसी से, उसकी सुरत शब्द से जुड़ी रहती है। ये एक अवस्था है, जब ये अजप्पा जाप शुरू हो जाए, जप जप के अजप्पा जाप, अजप्पा जाप किसे कहते हैं जो जपा नहीं जा रहा पर भीतर चल रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जबान नहीं जप रही पर मन जप रहा है, अब मन ने पकड़ ली वो धुनी, मन की तार जुड़ गई निरंकार से। अब मुंह किसी से बातें कर रही है, जबान बोल रही है पर अंदर सिमरन चालू है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दत्तात्रेय तो हैरान हो गया कि ये अवस्था भी होती है, और मैं इतने सालों से समाधि लगा के बैठा हूँ। गुरु नानक पाशाह कहने लगे, कितनी बड़ी भूल की है तूने, इतनी शक्तियाँ तेरे पास, दिव्य दृष्टि से देख दुनिया जल रही है, नीचे परेशान है, पापों में फंसी पड़ी है, जाकर उन्हें उपदेश दे, सही रास्ता दिखा, अपनी शक्तियों का उपयोग प्रयोग लोगों की भलाई के लिए कर, निरंकार का हुक्म है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कमाल का पहलू है सत्संग जी। गुरु नानक पाशाह कह रहे, दत्तात्रेय तूने मौन धारण कर लिया, चुप करके बैठ गया, चुप कराना था मन को, तूने चुप करा लिया जुबान को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दत्तात्रेय ने अपनी भूल मानी, चरणों में गिर पड़ा गुरु नानक पाशाह के, कहने का बख्श लो और मुझे वो अवस्था भी दो जिसकी आप बात कर रहे हो। इतिहास में लिखा है, गुरु नानक पाशाह ने निगाह भर के दत्तात्रेय की तरफ देखा, उसके भीतर अजप्पा जाप शुरू हो गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 गुरु नानक पाशाह कहने लगे, तेरे बोलने से तेरे में इतनी ताकत है, तू उपदेश करेगा लोगों को, लोगों का जीवन पलट जाएगा, तू चुप करके बैठ गया, कितना बड़ा अपराध किया है तूने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भूल मानी, अजप्पा जाप शुरू हो गया, साथ संगत जी अवस्था होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी से प्रमाणित करती है, उठत बैठत सोवत ध्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है, सोते हुए भी जाप चलता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे, वाणी से प्रमाणित करती है, उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह सद काम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नामा कहे त्रिलोचना मुक्ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले मुख से संभालना पड़ता है, हाथ पांव से काम करो, मुख से राम राम बोलो, पर एक दिन आएगा, एक दिन आता है, वाणी कहती है कि फिर चित सिमरता है, चित जुड़ जाता है उस निरंकार से। अब चित जुड़ गया निरंकार से, अब रसना चाहे दूसरे से बात भी कर रही है जबान,
चित जुड़ा हुआ है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोम रोम से आवाज आती है, राम 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 मेरे 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 राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने समझाया, पांच में गुरु नानक गुरु अर्जन जी जो हमारे शब्द में भी वही समझा रहे हैं जो गुरु नानक पातशाह दत्तात्रेय को उपदेश दे रहे हैं कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है प्रयोग करने के लिए दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना करना है, कहाँ करना है, ये ज्ञान होना चाहिए। पर किसी चीज को बंद कर देना, किसी चीज का प्रयोग ना करना, ये उसके हुक्म के खिलाफ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इससे पुण्य नहीं मिल सकता, इससे पाप जरूर मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब शब्द श्रवण कर रहे हो, अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाव। ध्यान से सुनना, भीतर गुरु की आराधना कर, जेवा से उसका नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जप जेवा, जबान किस लिए दिए, जेवा का है जबान को। पांच में गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि जेवा जप गुरु नाओ, इस जेवा से नाम जप। ये जेवा तुझे नाम जपने के लिए मिली है, चुप करके बैठने के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये आंखें किस लिए मिली है, नेत्री सतगुर पेखना सर्वणी सुरणा गुरु नाओ, इन नेत्रों से दर्शन कर गुरु के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्वणी कान सुनना गुरु नाओ, ये कान किस लिए मिले है, गुरु की उस्तत सुन, नेत्रों से गुरु के दर्शन कर, और जेवा से क्या कर, जेवा जेहवा जेहवा जप गुरु नाओ, जेहवा 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 जप गुरु नाओ, जेहवा 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 जप गुरु नाओ, जेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नेत्री सतगुर पेखना, ये आंखें गुरु के दर्शन करने के लिए मिली है। ये जबान, ये रसना, ये जेहवा नाम जपने के लिए मिली है। वाणी में पंक्ति आती है इतनी करड़ी, रसना जपै ना नाम, तिल तिल कर कटिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसमें एक एक अंग के बारे में कहा है, इस शब्द में, ये शब्द निकालना, एक एक अंग के बारे में कहा है कि अंग का प्रयोग करने के लिए दिया है तुझे और तू करता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यहाँ गलत तरीके से करता है तो ये सजा है उसकी। वाणी में अंकित है, रसना जपे ना नाम,
तिल तिल कर कटिए, ये पूरा पूरी पौड़ी पढ़ना। रसना जपे नाम तिल तिल कर कटिए, हर हाँ जब बिसरे गोविंद राई, विचार कीजिए, विचार करने वाली बात है। एक तरफ हम मौन व्रत धारण कर लेते हैं, कई लोग वाणी उसका खंडन ही नहीं कर रही, उसकी सजा बता रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक तो होता कि कोई बात नहीं, यहाँ पर उल्टा कहा गया कि इसकी सजा है। तुझे जबान जेवा दी थी नाम जपने के लिए, तू चुप करके बैठ गया, यहाँ तू इसे गलत प्रयोग कर रहा है गाली गलौच में। ऐसी रसना जो नाम नहीं जपती, पाछा कहती है तिल तिल करके काटी जाएगी, तिल तिल करके। हर हाँ जे विसरे गोविंद राय, दिनों दिन कटी है। जिसकी रसना नाम नहीं जपती, आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर को भूलना शुरू कर देती है, और दिनों दिन घटी है, भाव अवस्था नीचे गिरती जाएगी, ऊंची नहीं उठेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नैन न पेखे साध से नैन विहालिया, ये जो आंखें किसी साधु संत के दर्शन नहीं करती, जो आंखें, उन आंखों को निकाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्ण न सुने नाद, अगर कान तेरे परमेश्वर के उस्तत नहीं सुनते, करण मुंद का लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कितनी सजाएं लिखी हैं कि भगवान ने तुझे शरीर दिया है। अगर तुझे बेजुबान ही रहना था, बोलना नहीं था, तो तू जानवर की जोनी भी दे सकते था भगवान तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर चुप कर जाने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती, तो सारे जानवरों को हो जाती, जिनकी जबान नहीं है, जो बोल नहीं सकते, ऐसे कई कीड़े हैं, कई पशु हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कितनी गहराई से समझा रहे हैं कि तुझे जो कुछ भी दिया है उसका प्रयोग कर, पर कर कैसे, उसके बारे में गाइड कर रहे हैं। नेत्री सतगुरु पेखड़ा सर्वणी सुनना गुर नाव, फिर क्या होगा अगर इस तरह से हम जिएंगे कि रसना से जाप जपेंगे, आंखों से गुरु के दर्शन करेंगे, कानों से गुरु के उस्तत सुनेंगे, क्या होगा। सतगुरु सेती रत्या दरगे पाई ऐठाओ, गुरु के चरणों में जगह मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वथ दे, गुरु जिस पर कृपा करता है उसे ये दात बख्शता है क्या, रसना से जाप जपने की, कानों से उस्तत सुनने की, आंखों से गुरु के दर्शन करने की दात जिसे ये देता है। कहो नानक कृपा करे जिस पे वो कृपा करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो यहाँ अमृत वेले उठ के बैठे हैं, सब जो भी टीवी के आगे बैठे हैं, सारी संसार ऐसे ही नहीं बैठ गए, जितने लोग बैठे हैं, अरबों खरबों लोग हैं दुनिया में, कितने बैठे हैं उठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहो नानक कृपा करे जिस पर उसने कृपा की है, तरस किया है, वही उठकर बैठा है, हर कोई नहीं उठ सकता चाकर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए तरस मांगा करो। बाबा नरेंद्र सिंह जी कहते थे, अरदास करने के लिए खड़े होते हो दो चीजें, एक तो शुक्र है पाछा, दूसरा तरस कर, बख्श दे बख्श दे। एक शुक्राना और एक बख्श ले, ये दो पंक्तियां, क्योंकि उसका तरस ही सब कुछ दिवा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जग में उत्तम काढ़ी है विरले के, ऐसे कोई विरले होते हैं, विरले उत्तम उत्तम पदवी को प्राप्त होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम बोलेंगे कि हम सब उत्तम पदवी को प्राप्त हो गए, क्योंकि हमारी रसना जप भी रही है, आंखें दर्शन भी कर रही है गुरु के, कान सुन भी रहे, नहीं,
और बाकी पूरा दिन ये उनके लिए कहा है जो सारा दिन जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुकान पे बैठा है, दास ने पहले भी कहा था, ग्राहक नहीं आए तो चिंता में नहीं बैठा, चिंतन में बैठ गया, इसे कहते हैं रसना जप रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो हर समय उसका जाप करे, आंखें चाहे गुरुद्वारे से चली गई हैं बाहर, पर आंखों में प्यास गुरु के दर्शनों की बनी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें बंद करके भी जिन्हें गुरु नानक दिखाई दे, जिन्हें राम दिखाई दे, आंखें बंद करके भी वो आंखें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कान सिवाय गुरु के उस्तत के कुछ सुनना पसंद ना करें, यह अवस्था जग में उत्तम काढ़ी है विरले के ही के। आओ ये दात मांगे पाछा तरस कर, कि मेरी जेवा भी तेरा नाम जपे। जेवा 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 जप गुरु नाम। जप गुरु नाम। जेवा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाछा समझा रहे हैं हमारे प्रकरण को याद रखना, चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। कोई चुप करके बैठ जाए मन चुप नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जबान को चुप कराना तो बड़ा आसान है, थोड़े से अभ्यास से ये चुप हो जाती है, चोट खाकर चुप हो जाती है, थोड़ा ज्ञान हासिल कर जबान चुप की जा सकती है। मन को चुप कराना बहुत ही कठिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और पाछा कहते हैं असली मोनी वो जो मन को चुप करा ले। जो मन दूसरे के बारे में बुरा सोचना बंद कर दे वो मन मोनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मन किसी की बुराई देखकर उस पर पर्दा डालना सीख जाए वो मन में असली मोनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मन में किसी दूसरों के लिए दया हो वो मन मोनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली मोनी उसे कहते हैं जिसका मन चुप कर जाए, गलत दिशा में ना जाए सही दिशा में जाए। जबान के चुप कराने को कल भी कहा था, पॉइंट रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। किसी ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर मुझे ज्ञान हुआ कि चुप कर जाएगी जबान तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए मैंने मौन धारण कर लिया। महापुरुषों ने समझाया जो मौन कृष्ण जी ने कहा है वो मन का मौन है, तूने जबान बंद कर दी। अगर कृष्ण जी भी अपनी जबान बंद कर लेते, चुप कर जाते जो मौन को तूने पकड़ा वहाँ पे, तो गीता कहाँ से आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर महापुरुष चुप कर जाए तो ज्ञान कहाँ से आए, दुनिया को सही रास्ता कैसे दिखाए। गुरु नानक पाशा ने क्या कहा दत्तात्रेय देव से, तूने चुप करके पाप किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने लोगों का भला कर सकता था पर तू केवल अपना आनंद लेने के लिए अकेला बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर पाशा एक और बात समझाते हैं, कहते हैं कुछ घंटों के लिए मौन धारण करना, कुछ समय के लिए चुप करना, ये बहुत जरूरी भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर में एनर्जी बनती है, मन खिंडता नहीं, एकाग्रचित होता है। कम बोलने की बहुत महत्व दिया है वाणी में, बहुत
कितने शब्द, कितने प्रमाण है जिसमें कहा गया है कि कम बोल, बहुत कम बोल। जहाँ पर दो अक्षर से बात बनती है चार मत बोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर एकदम चुप कर जाना अनर्थकारी है। ज्यादा बोलना अगर अनर्थकारी है, बिल्कुल चुप कर जाना भी अनर्थकारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, कृष्ण जी ने जो भगवद गीता में कहा है दास वो बताने जा रहे हैं। ज्यादातर हम सब यही कहते हैं, मैं भी कई बार कहता हूँ, क्योंकि समझाने के लिए पॉइंट लेना पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं कि महाभारत का युद्ध एक वाक्य से हुआ, द्रौपदी के ज्यादा बोलने की वजह से। उसने कहा अंधे का पुत्र अंधा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो टर्निंग पॉइंट जरूर था महाभारत का, पर कृष्ण जी कहने लगे असल में महाभारत के युद्ध तीन लोगों के ऊपर है। द्रौपदी तो एक नमित मात्र है उसमें। तीन लोगों की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे तीन लोगों की वजह से। तीन लोग कौन? द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवाल पूछा गया कि इनकी वजह से क्यों, युद्ध तो दुर्योधन की वजह से हुआ। कहने लगे नहीं, जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस वक्त ये तीनों में से एक भी उठ खड़ा होता जुल्म के खिलाफ, क्योंकि इनके पास ताकत भी थी, इन तीनों के पास शक्ति भी थी, सामर्थ्य भी था, ताकत थी रोकने की, पर इन्होंने नहीं रोका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म को जानते भी थे, धर्म को मानते भी थे, पर धर्म का पालन नहीं किया, चुप रहे। इनकी चुप की वजह से महाभारत हुआ, इतने लोग मरे। ये सारा पाप इन तीनों के सर पे है। ताकत भी है, शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, रोक सकते हैं, फिर भी नहीं रोका, चुप रहे। क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चुप रहना। ज्यादा बोलना अनर्थकारी है, पर चुप रहना गलत काम को देखकर उससे ज्यादा अनर्थकारी है। इसलिए महापुरुष वचन किया करते थे कि आज का समाज भी बुरा इसलिए नहीं कि बुरे लोग ज्यादा है, नहीं, बुरे लोग बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। समाज बुरा इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो नेक लोग हैं वो चुप करके बैठे हैं, सहते रहते हैं, चाहे कोई गलत काम करता जाए चुप कर जाते कि हमें क्या लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समाज बुरा अच्छे लोगों की वजह से है, और अच्छे लोगों की वजह से क्यों? क्योंकि वो चुप बैठे हैं। अगर आवाज उठाएं बुराई की तरफ तो बुराई कितनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहां पर बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर कोई बिल्कुल चुप कर जाता है पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जेवा किस लिए मिली? जेवा 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 जप गुरु नाम। 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 जेवा बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जुबान ज्यादा बोले अनर्थकारी, बरसात ज्यादा पड़ जाए बाढ़, बरसात ना पड़े सूखा, जुबान चुप कर जाए नुकसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हिसाब से बोले लाभकारी, सिचुएशन के हिसाब से
जबान का इस्तेमाल है। अब कोई चुप कर जाए, सिचुएशन को देखिए। गुरु डांट रहा है, गुरु शिष्य को डांट रहा है, सेवक को डांट रहा है। अब सेवक आगे बोल पड़े, निरादरी पाप, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता डांट रहे हों, बालक आगे से बोल पड़े बुरी तरह से, कड़वे बोल, पाप, निरादरी। अब यहाँ पर चुप रहना था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु सवाल पूछ रहा है कुछ, सेवक जवाब ना दे, निरादरी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिचुएशन देखिए, इस जबान का इस्तेमाल महापुरुष समझाते थे, सिचुएशन के हिसाब से करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप करना है, ये बहुत विवेक की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी इस बात को बड़ी बखूबी समझाते हैं, कहते हैं जो लोग ज़्यादा ज्ञान जानते हैं, जो लोग बहुत उपदेश देते हैं, असल में भीतर से खाली होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर उसका उदाहरण बड़े कमाल के ढंग से दिया भाई गुरदास जी ने, श्रवण कीजिए। गली साध ना आवे गली साधना वै जिचर मुह खाली। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुंह खाली है इसका, मुंह खाली है, मुंह में कुछ है नहीं, जबान सवाद किस चीज का ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव जिस जबान ने नाम का स्वाद नहीं चखा, नाम का अमृत नहीं चखा, थोड़ा सा भी नहीं चखा, वो बहुत बोलती है। क्यों? खाली है जबान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बोल रहे हैं कि मैंने बड़ा आनंद ले लिया, बड़ा कुछ पा लिया, मैंने जो लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, हम ये हम वो, पाछा कहते हैं खाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिन हर पाया तिन्हें छिपाया, दिखाया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जबान बहुत बोल रही है, भाव मुंह खाली है। भाई साहब, भाई गुरदास जी बड़े निराले ढंग से समझा रहे हैं, हम समझने की कोशिश करना। मुंह मेरा खाली है तभी मैं बोल पा रहा हूँ, अगर मेरा मुंह भरा हुआ हो मैं कैसे बोलूंगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगली पंक्ति में यही कह रहे हैं भाई गुरदास जी, श्रवण कीजिए। मुंह पर क्यों बोलिए, मुंह पर क्यों बोलिए, रस जीभ रसाली प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब, गुरदास जी कहते हैं अगर मुंह में मिठाई भरी हो, पूरा मुंह मिठाई से भरा हो, अब जबान मिठाई का रस ले रही है, अब वो आदमी बोलेगा कैसे, मुंह भरा पड़ा है। इसी प्रकार इसे नाम का रस आ गया जिस जबान को, वो बहुत कम बोलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि हमारा बोलने का दिल ही नहीं करता, पर क्या करें, गुरु नानक का हुक्म है, बोलना पड़ता है संगत के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसीलिए बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, बोलना सार्थक उसका है जिसका बोलने का मन ना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे बोलने का बहुत चाव हो ना, समझ लेना खाली है, और जो सोच सोच कर अक्षर अक्षर गिन गिन कर बोले, या केवल जब जिज्ञासु सामने दिखे तब बोले, समझ लेना इसकी रसना को रस आ चुका है नाम का, ये चुप कर जाना चाहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये रस ले रही है, जो रसना खाली है बिना रस के वो ज्यादा बोलती है, जो रस ले रही है वो कम बोलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
आगे श्रवण कीजिए। शब्द सुरत सिमरन उलंग नहे नजर निहाली, नजर निहाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर से पंक्ति लेना ये वाली। शब्द सुरत सिमरन उलंग नहे नजर निहाली। कितना प्यारा ज्ञान छुपा है इन पंक्तियों में। शब्द सुरत सिमरन, जिसका सुरत शब्द से जुड़ गई हो, भीतर सिमरन चल रहा हो, उसकी अवस्था का व्याख्यान किया है। उलंग नह नदर निहाले, भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं जिसकी सुरत शब्द से जुड़ जाए, जिसका सिमरन शुरू हो जाए अजपा जाप, उसकी आंख उल्लंघन नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके सुरत उसकी आंख उल्लंघन नहीं करती, भाव बॉर्डर नहीं लांघती। किस चीज का बॉर्डर? मर्यादा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी नजर में नाम के ऊपर कुछ है ही नहीं, उसे कुछ दिखाई नहीं देता नाम के ऊपर, कोई चीज उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अजपा जाप जिसका शुरू हो जाए, जिसकी रसना नाम के रस में डूब गई हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे पंथ को पंथ ना सुझई, ना सुझई, अलमस्त ख्याली, अलमस्त ख्याली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंथ को पंथ न सुझई, अलमस्त ख्याली। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अवस्था मिल जाए कहीं, ये अवस्था द्वैते एक रूप रह गए, ये अवस्था एक के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। एक ओंकार, एक जिसका रसना, जिसकी रसना राम के रस में, नाम के रस में, अमृत रस में डूब गई हो, सुरत शब्द से जुड़ गई हो, हृदय में सिमरन चल रहा हो, क्या होता है अवस्था, क्या बन जाती है उसकी? ये निशानी बताई है उसकी, जिसकी अवस्था हो पंथ को पंथ ना सुझई। कमाल की बात है। सारे झगड़े, सारे फसाद की जड़, वो किसी पंथ का नहीं रहता। उसे सोचता ही नहीं कि मेरा अलग पंथ है, दूसरे का अलग पंथ है, इसका वो पंथ है, ये हमारे पंथ का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज यही चल रहा है ना, सोशल मीडिया देख लो, मैं उसे नहीं मानता, ये मुझे नहीं मानता, ये वैसा है, ये ऐसा है, वो इस पंथ के हैं, ये इस पंथ के हैं। किसका नाम लो, सब एक जैसे हैं। किसी को बुरा कह नहीं सकते, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, रास्ते अलग अलग हों, मंजिल तो एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब किसी को यहाँ से जाना है, मैं अपने शहर की अगर बात करूं, यहाँ से किसी को दो नंबर जाना है, कोई ब्रिज से होकर जाएगा, कोई चार नंबर की रोड से चला जाएगा, कोई पीछे की रोड से भी जा सकता है, जिसे जो रास्ता पसंद हो पहुंचेगा तो गोल मैदान ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस ये बात उसी ही की समझ में आती है जिसे ये रस आ गया हो। इससे एक बात क्लियर है, जो लोग पंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़े फसाद करते हैं या सोशल मीडिया पर लड़ते हैं, सिंपल सी बात है, उन्हें नाम का रस नहीं आया अब तक। अगर आ गया होता तो ये बात करते ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि हर एक का पंथ फिर सही दिखाई देता है, कोई गलत है ही नहीं। पंथ को पंथ ना सुझई, अल मस्त ख्याली, वो तो अपने ख्याल में मस्त है। ख्याल कहाँ पर है उसका? राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम।
राम मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, राम जप गुरु नाम जेवा 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 जप गुरु नाम जेवा डगमग चाल सुढ़ाल है गुरमत निराली, डगमग चाल सुढ़ाल है गुरमत निराली। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसकी ये अवस्था बन जाए क्या होता है? भाई साहब गुरदास जी निशानियां बता रहे हैं। तो वो चुप कर जाता है, बहुत कम बोलता है, फिर उसकी नजर मर्यादा को पार नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पदार्थ उसके लिए मायने नहीं रखता सिवाय नाम के। फिर उसके लिए कोई पंथ मायने नहीं रखता, कोई धर्म मायने नहीं रखता, वो उससे ऊपर उठ जाता है। कोई सरहद उसके लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार संतता सिंह जी मस्तुवानिकर दास वचन पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया पढ़ के। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, काफ़ी समय मैं बार बार पढ़ता था और उसके बारे में एक दो घंटे विचार करता था, मेरी समझ में नहीं आता था, जो अब जाके समझ में आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी इस अवस्था वाला को ही वो समझ सकता है, या गुरु मेहर करे, अवस्था तो गुरु मेहर ही करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्त होने वाले लिख के गए हैं वो अक्षर, वो भी इतने मोटे अक्षरों में लिखे हैं वो, और एक खास पेज पर लिखे हैं स्पेशली ध्यान दिलाने के लिए कि इस दुनिया में 99% ये बात किसी को समझ में आने वाली नहीं है, पर अगर गुरु बुलवाना चाहता है मैं बोल रहा हूँ। इस दुनिया में शांति पता कब होगी? संत अतर सिंह जी मस्त होने वाले के वचन, जिस दिन देशभक्ति खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें तो लगेगा हमें बचपन से देशभक्त बनाया जाता है, देश के लिए लड़ मरना, देश के लिए ये, देश के लिए वो, ये है देश के लिए लड़ने वाले को मरने वाले को शहीद का दर्जा है, बहुत ऊंची क्लास है। पर इससे ऊंची एक क्लास है महापुरुषों की, जो अवस्था की बात जो दास ने की कि पंथ को पंथ न सूझाई, उनके लिए कोई मर्यादा कोई देश ही फर्क ही नहीं रहता, वो देश या ये देश, वो अवस्था के वचन है ये। देशभक्ति खत्म हो जाएगी। असल में देशभक्ति है क्या? बॉर्डर पे लोग खड़े हैं, बॉर्डर के उधर के लोग भी खड़े हैं, सैनिक खड़े हैं, दोनों दोस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं रोज। आज इधर से फोन आ जाता है मार दो, ना चाहते हुए भी मारना पड़ता है, हुक्म आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक सेकंड में दोस्त दुश्मन बन गया, क्यों? देशभक्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े गहरे वचन है, इसको कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है फोन देश को बचाने के लिए आया है, पीछे कारण होगा, पर देशभक्ति खत्म हो जाए इसका मतलब बड़ा गहरा है। इसका मतलब है कि देश में और दूसरे के देश में इन लोगों में उन लोगों में कोई फर्क दिखाई देना बंद कर देता है। महापुरुषों की अवस्था है, उन्हें केवल हर इंसान में एक ज्योत दिखाई देती है परमात्मा की, उनके लिए वितकरे खत्म हो जाते हैं, सरहदें खत्म हो जाती है, पंथ को पंथ न सूझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वो अवस्था है जिसे हम नहीं समझ सकते बस। और आगे कहा है ना, डगमग चाल सुढ़ाल है गुरमत निराली, वो अपनी चाल चलते हैं,
बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। आप समझो किसी का दोस्त प्रधानमंत्री हो वो कैसे अकड़ कर चलेगा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसके साथ गुरु नानक दोस्ती कर ले, गुरु नानक का जो दोस्त बन जाए या गुरु नानक को अपना दोस्त बना ले, जिसकी तरफ गुरु नानक आकर खड़ा हो जाए सृष्टि का मालिक, उसे किस बात की परवाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेपरवाह सदा रंग हर के, बेपरवाह कौन होते हैं? एक होते हैं लापरवाह, हम लापरवाहों में से हैं, बेपरवाह नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेपरवाह सदा रंग हर के, वो हमेशा नाम के रंग में, राम के रंग में रंगे रहते हैं, वो बेपरवाह हो जाते हैं। क्यों? जाको पाक स्वामी, जिनकी साइड गुरु नानक ले ले, वो स्वामी जिसकी तरफ आके खड़ा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डगमग चाल सुडाल है, गुरमति निराली अपनी चाल चलते हैं, बेपरवाह ना निंदा का डर ना उस्तत का लालच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेपरवाह। आगे चढ़े आ चंद ना लुकई, चढ़िया चंद ना लुकई, तक जोत कुनाली, तक जोत कुनाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, चाहे कितना यत्न करे कितना प्रयत्न करे, छिप नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कमाई वाले अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं, पर ये पंक्तियाँ भाई गुरुदास जी की कह रही हैं ना, चढ़िया चंद ना लुके, पूर्णमसी का चांद हो हर तरफ से दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे कितना भी छिपाने का प्रयत्न करो वो नहीं छिप सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए बादल घेर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं छिपाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है, सारी दुनिया में रोशन हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव ये कि मुंह भरा हो आवाज नहीं निकलती, खाली मुंह बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सीप में मोती हो सीप बंद होता है, मुंह खुल जाए सीप खुला पड़ा हो समझ लो उसके अंदर मोती नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो चुप कर जाते हैं कम बोलते हैं, चुप करने का मतलब यहाँ पे बार बार दास समझा दे, हमेशा के लिए चुप नहीं, जो कम बोलते हैं, तोल कर बोलते हैं, सोच कर बोलते हैं, बोलने से पहले दो बार सोचते हैं किसी का हृदय न दुख जाए, जो इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, अंदर से नाम के रस से भरे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीप में मोती हो सीप बंद रहता है, अगर जबान बंद है अंदर रस है, अगर फालतू बोल रहा है समझ लो खाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भंवरा फूल पर मंडराता है, आवाज करता है, आवाज करता रहता है, फूल पर मंडरा रहा है जब तक, पर जिस दिन वो फूल पर बैठ गया जिस वक्त आवाज बंद हो जाती है, क्योंकि अब रस पी रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना साथ संगत जी, चुप है चुप ना होवे जय लार हाली वितार, कम बोलना है, चुप रहकर नहीं पाया जा सकता, गुरु नानक पाशा सिद्धों को समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिल्कुल चुप रह जाने को पाप कहा है, ये भी नहीं कहा कि इसका कोई फल नहीं है, एक अलग बात है फल ना होना, पर पाप रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटी है। देखिए ये नहीं कहा रसना सिमरे ना नाम जपै ना नाम, जपना बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि आओ बैठकर सिमरन करते हैं, ये सिमरन इसे नहीं कहते, इसे जाप कहते हैं, हम बोल रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं उसे जाप कहते हैं, सिमरन उसे कहते हैं। रसना बंद हो गई, मुँह बंद है, सुरत में चल रहा है, याद में चल रहा है, उसे कहते हैं सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस रसना से जपना है। जेहवा जेहवा जप गुरु नाम,
जेहवा जप गुरु नाम जेहवा 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 जप गुरु नाम जेहवा 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 जप गुरु नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना है ये ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। झगड़ा कब होता है कभी विचार किया है? जब दो लोगों में झगड़ा होता है कब होता है? जब दोनों बोल रहे हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। अगर एक चुप कर जाए, ये महापुरुषों के वचन है बड़े कीमती, समझ लेना बहुत काम आएंगे जीवन में, मेरे तो बहुत आए हो सके तो समझ लेना। और ये सबके लिए, हम सबके लिए। जब एक आदमी क्रोधित हो रहा हो, जो पहले क्रोधित हो गया उसका अधिकार है क्रोध करना, क्योंकि पहले क्रोधित वो हुआ है। दूसरे का कहते थे तब फर्ज है, चाहे कितना भी क्रोध आया हो तुझे, तेरा फर्ज है, तेरा धर्म है उस वक्त चुप कर जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि पहले क्रोध उसने कर दिया है, अब तू चुप कर जा, झगड़ा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, झगड़ा टल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर तू भी बोल पड़ा तो झगड़ा निश्चित है। तो जो दूसरा होता है दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आ जाती है कि अब मुझे चुप करना है क्योंकि पहले वो बोल पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसी प्रकार से अगर दो लोग अपना जीवन व्यतीत करें कि एक जब क्रोधित है दूसरा चुप कर जाए, महापुरुष कहते थे झगड़ा हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शायर ने खूब लिखा है, वो समझे थे कि तमाशा होगा और मैंने चुप करके माहौल ही बदल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समझे थे कि तमाशा होगा और मैंने चुप रहकर माहौल ही बदल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है तो दुनियावी बात पर बहुत कीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दुनियावी प्रमाण लोग देते हैं, बंदूक से निकली गोली, कमान से निकला तीर, जुबान से निकला बोल वापिस नहीं आता। और ये एकदम सच है। कहते थे कोई दुनिया जीत सकता है, दुनिया अगर मीठा बोलना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की जबान मीठी होना वो दुनिया जीत सकता है, चाहे उसके जेब में पैसे ना भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इफ यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट मस्ट हैव हनी ऑन योर टंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अगर जेब में पैसे नहीं है और अगर जबान मीठी है तो दुनिया जीत सकता है, दुनिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात करने का ना ढंग होता है। अगर आप किसी को डांट भी रहे हो तो अक्षर चुनकर यूज करो, कई बार समझाना पड़ता है। अब किसी को डांटते वक्त कह दो कि तू तो जानवर है, बुरा मान जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कहो तू शेर है, खुश हो जाएगा, पर शेर भी तो जानवर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। तेरा स्वभाव शेरों वाला है, बुरा भी नहीं मानेगा, खुश हो जाएगा मुझे शेर का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना आती है, ऐतिहासिक, बड़ी प्यारी है। और दो पंक्तियां पढ़ ली फिर इसका विचार आगे बढ़ाते हैं। याद रखना चुप ना हो वही। इसके अर्थ फिर से समझ लो, चुप है चुप ना हो वही। किस जबान को चुप कराने से तेरा मन चुप नहीं होगा, और बात तेरी तभी बनेगी जब तेरा मन चुप हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुपे चुप ना हो वही जिलाए रहा लिवता
जेवा 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 जप गुरु नाओ जप गुरु नाओ जेवा 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 जप गुरु नाओ जेवा घटना मेरे चोजी प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी के समय की है। चोज भी किया करते थे ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और यहाँ पर भी उन्होंने चोज ही किया, इसलिए दास ने उन्हें आज चोजी प्रीतम कहा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं आनंदपुर साहिब के किले में, संगत सजी हुई है। एक साधु आ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पत्थर हाथ में, हाथ में एक कोयले का टुकड़ा है और पत्थर पर लिख लिख कर बात कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, और लिख कर क्या कहता है, पत्थर पर लिख कर दिखाता है सेवादार, सेवादार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को दिखाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हाथ में पत्थर लेकर पढ़ते हैं, लिखता है, कई सालों से हमने मौन रखा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मौनी साधु, कई सालों से मौन रखा है हमने, मन को जीत लिया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संगत में कहते हैं, भाई ये बहुत बड़े मौनी साधु आए, सारे नमस्कार करो। सबने नमस्कार किया, वो खुश हो गया, बिठाया उसे, कहने के कई सालों से मौन रखा है और लिखा है कि मन को जीत लिया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत कमाई है इनकी, और मौनी साधु वहाँ बैठे प्रसन्न हो रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसकी उस्तत करते जा रहे हैं। फिर अपने एक शिष्य से कहते हैं, भाई इसे घर ले जा, बहुत कमाई वाले मौनी साधु हैं जिन्होंने मन को जीत लिया, कई सालों से बोले नहीं, घर में ले जाके इन्हें पूरी कचौरी कड़ा खीर खिलाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बहुत अच्छे से सेवा करना, अपने घर में रखना, दोपहर को भी सेवा करना, रात को भी करना, सुबह भी खिलाना, फिर कल लेके आना शाम को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दक्षिणा भी बहुत अच्छे से देना, बहुत कमाई वाली मौनी साधु है, इन्होंने मन को जीत लिया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा, पूरी खिलाना, कचौरी खिलाना, कड़ा खिलाना, खीर खिलाना। मौनी साधु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज बड़ी आवभगत होगी, सिख के साथ चले गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख को इशारा कर दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक मेरे चोजी प्रीतम। सिख घर में ले गया, वो बैठ गए खाना खाने के लिए। सिख भीतर से आया, रसोई में बिठाया भीतर, और क्या लाके दिया, हाथ में एक सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़ा सा अचार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौनी देख रहा है सिख की तरफ, हाथ हिला रहा है, इशारे कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूरी कचौरी कहा था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सिख जैसे ना समझ में नहीं आ रही बात को, अनजान बन गया। किसी प्रकार उसने उस वक्त खाली मन में सोचा, शायद शाम को खिलाएगा, इस वक्त नहीं बने होंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम को जब मौनी बाबा खाने बैठे, सिख ने फिर से वही किया, एक रोटी सिर्फ और उसके ऊपर अचार रख के, सूखी रोटी। अब मौनी पत्थर लेता है, पत्थर पर लिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खीर कचौरी पूड़ी और ये कहा था, कड़ा खिलाना। पत्थर उसको देता है, वो बोलता है पत्थर लेके कि भाई मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मौनी परेशान हो गए, बाबा कि क्या करूँ मैं, इसे पढ़ना नहीं आता। फिर से सूखी रोटी खा ली, सुबह हुई, उसने सोचा आज अभी तो जरूर मिल जाएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसे कहा था। सुबह हुई वही हाल, फिर से
सूखी रोटी और अचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तो वो चिल्ला पड़ा, लिख के कहता है भाई, वापस आगे करता है, कहते मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पढ़ना आता, बोल पड़ा, पढ़ना नहीं आता, बहरा तो नहीं, सुनना तो आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तुझे लिख के थोड़ा कहा था, बोला था ना कि कचौरी खिलाना, कड़ा खिलाना, खीर खिलाना, दक्षिणा भी देना, और तू सूखी रोटी देता है, मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा। और गया आनंदपुर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जाके कहता है कि आपने सिख से कहा था कि पूरी कचौरी कड़ा खीर खिलाना, ये सूखी रोटी खिलाता रहा तीनों टाइम, और दक्षिणा भी नहीं दी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े, कहने लगे बाबा आपने लिखा था कि मन को जीत लिया है, कहाँ जीता है मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक खीर कचौरी के लिए आपने अपना प्रण तोड़ दिया, मौन व्रत कई सालों से जो रखा था वो तोड़ दिया, कहाँ जीता है मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तब उसे समझाया कि जबान को बंद कर लेने से मन बंद नहीं होता, तू लिख रहा है, जब तू लिखता है तेरा मन बोलता है। बंद कराना था मन को, बार 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 ये पॉइंट आ रहा है, क्योंकि दुनिया भटकी पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई मौन व्रत धन कर धारण करके कमरे में बैठा भी है, लिख लिख कर बोल रहा है, वो बोल रहा है लिख लिख कर, क्योंकि उसका मन बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल मौनी कौन जिसका मन चुप कर जाए वासनाओं से, जिसका मन चुप कर जाए निंदा से, इसका मन चुप कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन के चुप करने को मौनी कहा है, जबान के चुप करने को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके कई पहलू हैं, कई चुप है चुप न होवे के कई पहलू हैं, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, इसके कई पहलू हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर आखिर में ये भी है कि मन चुप करता कैसे है, मन को चुप कराने का क्या तरीका है। आए आज यहाँ पे समाप्ति करते हैं, समय हो गया है। गुरु मेहर करें, गुरु मेहर करें, अगर विचार आगे बढ़वानी हुई कल तो फिर से बढ़वा लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जेहवा 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 जप गुरु नाम। जप गुरु नाम। जेवा 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 जप गुरु नाम। अंतर गुर जप गुरु नाम। जेवा 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 जप गुरु नाम। Oh,
जप गुरु नाओ जप गुरु नाम जेवा 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 जप गुरु नाम जेवा जप गुरु नाम जेवा 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 जप गुरु नाम जेवा 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 जप गुरु नाम जेवा जेवा जप गुरु नाम जेवा